हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के फॉर्म में, जो क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का दिया हुआ है सार वन लाइनर के फॉर्म में, उसको पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री सोशल साइंस का पढ़ रहे थे। इसमें एक क्लास कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग उसकी दूसरी क्लास करेंगे, जिसमें टॉपिक होगा हमारा 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मणिराम दत्त। फैजाबाद के विद्रोह कर रहे थे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे का, जिनका दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? वक्त खां को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता, यानी कौन से विद्रोही नेता जो है 1857 की क्रांति में कौन कहां से किस नेतृत्व कर रहे थे और उनका दमन करता है, यानी कौन अंग्रेज जो था उनको दबाने की कोशिश कर रहा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय वक्त था जो कि सैन्य नेतृत्व कर रहा था। विद्रोह की तिथि 11 मई 1857 की थी और इसका दमन करता यानी इसे कौन रोक रहा था? हडसन और निकलसन। लखनऊ, लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल और वर्जिस कादिर और इसका विद्रोह का तिथि था 4 जून 1857 और इसके दमन करता यानी कि इसे रोक कौन रहा था? कॉलिन कैपवेल। झांसी और ग्वालियर का नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इनके विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 थी और इसको कौन रोकने के लिए थे? तो जनरल ह्यूरोज रोकने के लिए था। कानपुर, कानपुर का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे जो कि सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने अपना विद्रोह की तिथि 5 जून 1857 को तय किया और इनको रोक कौन रहे थे? कॉलिन कैपवेल रोक रहे थे। इलाहाबाद के नेता कौन थे? लियाकत अली थे। इन्होंने विद्रोह की तिथि 6 जून 1857 को तय की और इनका दमनकर्ता कौन थे यानी इन्हें कौन रोक रहे थे? कर्नल नील। फैजाबाद, फैजाबाद का नेतृत्व करते मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने अपना विद्रोह की तिथि जून 1857 में तय किया और इसे इनके विद्रोह को कर्नल नील के द्वारा दबाया जा रहा था। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह कर रहे थे। इन्होंने अपना विद्रोह का तिथि 12 जून 1857 को तय किया और इनके विद्रोह को विलियम टेलर और
विंसेंट आयर के द्वारा दबाया जा रहा था। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खां कर रहे थे और इनके विद्रोह की तिथि थी जून 1857 और इनके विद्रोह को विंसेंट आयर के द्वारा दबाया जा रहा था। फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्ला खां कर रहे थे 1857 ईस्वी में और इन्हें जनरल रेनॉल्ड के द्वारा दबाया जा रहा था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, इन्हें इस विद्रोह का अंतिम अखिल भारतीय नेता माना गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, यानी शिक्षित वर्ग और जमींदारों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। 1857 के युद्ध को बहुत सारे लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है, उसके बारे में उसके पुस्तक और लेखक के बारे में पढ़ेंगे। द ग्रेट रिवेलियन, ये अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा, यानी बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। 1857 ये किसके द्वारा लिखा गया? एस एन सेन के द्वारा, यानी 1857 किसके द्वारा लिखा गया? एस एन सेन के द्वारा। शिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आर सी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटिनी ये टी आर होम्स के द्वारा लिखा गया है। रिवेलियन 1857 ये पी सी जोशी के द्वारा लिखा गया है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी डी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स ऑन्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? आर सी मजूमदार का था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन था। अब हम लोग पढ़ेंगे 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, यानी 1857 के विद्रोह पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बात कहा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किन्होंने कौन सी बात कही थी। डॉक्टर एस एन सेन, इन्होंने कहा था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने कहा था 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर सी मजूमदार, इन्होंने कहा था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम में ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजराइली ने कहा था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा? उन्होंने कहा 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक चर्बी कारण जिसका कार्य तात्कालिक कहा था चर्बी युक्त कारतूस।
आर होम्स ने क्या कहा था? टी आर होम्स ने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था। रीज के द्वारा क्या कहा गया? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था।